हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल अंजू स्मार्ट आइडियाज़। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने वॉशरूम का मेकओवर किया, बहुत सिंपल वे में, सोबर वे में, अंडर बजट। तो ये ट्रेस थी, 3 ट्रेंगुलर ट्रेस, कॉर्नर ट्रेस, जो बहुत महंगी नहीं थी, नॉर्मल किसी भी आपको शॉप से मिल जाएंगी, प्लास्टिक वेयर मिलते हैं जहाँ पर, वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये मैंने खरीदी थी और ये तीनों इस कॉर्नर पर ड्रिल मशीन की हेल्प से, ड्रिल मशीन से वैसे मैं काम कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने भाई से कराए थे ड्रिल मशीन के होल्स, तो ड्रिल मशीन की हेल्प से ये होल करा के ये तीनों प्लेट्स यहाँ पे लगा दी थी। और ये कुछ पेंटिंग्स पड़ी हुई थी, लास्ट ईयर की भी नहीं थी, लगभग 3 साल पहले की ये पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। और इनका जो फ्रेम था वो बहुत अच्छा था, अभी भी नया था, शाइनी था, ब्राउन एंड गोल्डन कलर में काफ़ी अच्छा था। तो मुझे इन्हें रीयूज़ करना था, क्योंकि इनकी पेंटिंग जो अंदर थी उससे मैं बोर हो चुकी थी और मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, और 3 साल पहले भी मैंने ही परचेज़ की थी ये। तो मुझे कुछ रिनोवेशन करना था वॉशरूम का, तो मैंने इन्हीं को रीयूज़ किया। और देखिए, मैंने पहले इनको अनटाई कर लिया, जो इनके पीछे टेप लगा हुआ था उसको हटाया, थोड़ा आराम से हटाइएगा, आप देखेंगे कि मेरा हाथ कट भी गया था, क्योंकि ये ग्लास है, इसके अंदर कांच है, और उससे मेरा हाथ अभी देखेंगे आप कट भी गया था, थोड़ा सा कट लग गया था, ब्लड भी काफ़ी आया था। तो थोड़ा सा आराम से, ध्यान से काम कीजिएगा, मैं शायद ध्यान नहीं दे पाई इसलिए हाथ कट गया। तो इस तरीके से ये टेप हटा लीजिए, मैं एक टेप हटा के आपको दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ देखते रहिए। और इसके बाद देखिए, जो पीछे लॉक्स थे उनको मैंने सीजर्स की हेल्प से हल्का सा हटा दिया था, और हटाने के बाद ये जो कार्डबोर्ड था और जिसके अंदर ग्लास कवरिंग थी वो निकाल ली, और साथ साथ में जो पेंटिंग थी उसको भी निकाल लिया। तो निकालने के बाद मेरे पास ये 4 पेंटिंग्स थी, तो 4 पेंटिंग्स के चारों के चारों फ्रेम्स और गिलास और ये पेपर पेंटिंग जो इनके अंदर लगी हुई थी वो मैंने सारी अलग कर ली, एक कॉटन का कपड़ा लिया और अच्छे से इस ग्लासेस को, चारों ग्लासेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। थोड़ा मैं बार बार मैं कह रही हूँ, थोड़ा सेफ्टी से कीजिएगा, क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पे बैंडेज किया हुआ है, कपड़ा लगाया हुआ है थंब पर, मेरा थंब काफ़ी कट लग गया था एकदम से, क्योंकि बहुत पतला वाला गिलास होता है इसका और वो बहुत जल्दी कट करता है। तो थोड़ा सेफ्टी से कीजिएगा इस तरह का कोई काम करें तो। तो ये मैंने इस तरह से 4 जो कांच था, शीशे थे, वो साफ़ कर लिए थे, ग्लास थे, और ये चारों फ्रेम साफ़ कर लिए थे, और जो 4 पेंटिंग थी उनको मैंने निकाल लिया था। उनको निकालने के बाद मैंने A4 साइज़ सीट थी मेरे पास कुछ, A4 साइज़ सीट से, और आपको बता दूँ A4 साइज़ सीट भी रफ़ थी, जो एक साइड से यूज्ड थी, एक साइड से बिल्कुल प्लेन थी, वाइट थी, उनको मैंने पेंटिंग्स के ही साइज़ का कट कर लिया। और इनको कट करने के बाद मैंने 4 कॉट्स निकाली, बहुत अच्छी कॉट निकाली जो हमारे इंडियंस को मैच भी करती है, क्योंकि अगर आप अमेजोन वगैरह से अगर पेंटिंग कॉट्स निकालो, वॉशरूम कॉट्स डाल के निकालो, तो काफ़ी कुछ आता है, लेकिन क्योंकि हम इंडियंस के हिसाब से लगाना पड़ता है, तो 4 कॉट निकाली मैंने, तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। और ये जो हमारा वाइट बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर है, टेम्परेरी मार्कर जो होता है, उसकी हेल्प से आप परमानेंट यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास टेम्परेरी था, तो मैंने इसको इस तरह से कर्सिव हैंडराइटिंग में स्टाइलिश थोड़ा सा करके और ये 4 कोट इस पर लिख दी। तो आपको ये थोड़ा सा उल्टा दिखेगा, मैंने A4 साइज़ सीट लिया था, आप कोई भी सीट ले सकते हैं, वाइट किसी भी कलर की ले सकते हैं, तो मैंने वाइट ही लिया, मुझे वाइट ही मन था, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन का, तो मैंने वाइट ही सीट लिया। आप कोई भी कलरफुल सीट ले सकते हैं, और बहुत सारे आगे तरीके भी मैं आपको बताऊंगी पेंटिंग्स बनाने के, कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल और कर्सिव हैंडराइटिंग में थोड़ा स्टाइलिश करके और ये चारों की चारों कॉर्ड्स लिख दिए। तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा, लेट्स सी फ्रेंड्स।
देखिए ये लिखे मैंने कॉर्ड्स लिख दिए हैं, वॉशरूम कॉर्ड्स। ये लिखा है ब्रश, फ्लश, फ्लॉश एंड वॉश। तो चारों कॉर्ड्स लिखने के बाद मैंने एक एक करके इनको ये फ्रेम्स के अंदर दोबारा से जिस तरह से निकाला था उसी तरीके से इनको सेट कर दिया। तो ये देखिए ग्लास है, और पहले सबसे पहले ग्लास को इसमें सेट कर दिया, ऊपर से टर्न करके। ये देखो मैं आपको बता रही थी कि A4 साइड शीट यूज़ की थी मैंने, वेस्ट जो एक तरफ से रिटर्न थी ख़राब थी और दूसरी तरफ से प्लेन थी बिल्कुल वाइट। तो इस तरह से सेट करके देखिए ये लिख रहा है ब्रश BRUSH। तो देखिए ये इस पर मैंने ये कार्डबोर्ड लगा दिया जिसमें पहले से ही हैंगिंग लगी हुई है, तो इसको सेट कर दिया। इनके जो लॉक्स थे उनको कर दिया और साथ साथ फिर बाद में इन पर इसी तरह से टेप लगा दी। देखिए इसी तरीके से मैंने चारों के चारों फ्रेम्स जो थे वो रेडी कर लिए। ये ब्रश था, फिर वॉश, फिर फ्लश और फिर फ्लॉश, ये सारे के सारे इस तरीके से रेडी हो गए। देखिए चारों के चारों फ्रेम रेडी हो गए, और आप कोई भी कलर का फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, आप पेपर कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, मार्कर किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। और एंड में मैंने इनको यहाँ पर हैंग कर दिया, और बड़े अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अच्छा लुक दे रहे थे वॉशरूम को, काफ़ी रॉयल लुक था। और ये देखिए ये मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया था, ये 3 ट्रेज का स्टैंड था, मैंने 2 ट्रेज यहाँ पर लगाई। और ये मेरी बास्केट है जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको सारे दिखा दिए थे बॉटल्स, कौन कौन सी चीज़ें मैं वॉशरूम में रखती हूँ। तो बास्केट से अब लेके मैंने ये सारे इस स्टैंड पर मैनेज कर दिए। तो देखिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें इसमें रख दी। देखो इससे आसानी हो जाती है, हमें यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर कोई भी जगह बन जाती है जब किसी चीज़ के लिए, तो वहीं हम चीज़ रखते हैं हमेशा, वो इधर उधर भी नहीं होती, गुम भी नहीं होती, और हमें आसानी से मिल जाती है, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। जो जहाँ की चीज़ हो वहीं मेंटेन रहे, मैनेज रहे, वहीं रहे, तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक मैनेजमेंट रहता है, अच्छा लगता है। तो देखिए सारी बॉटल्स रखने के बाद, शैम्पू, लाइजॉल, हार्पिक वगैरह रखने के बाद, मैंने ओडोनिल भी रख दिया। ये साइड में स्टैंड है जिसमें शॉपिश वगैरह रख देते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये पूरा मेंटेन कर दिया, सारा कुछ इसमें रखा हुआ था। और एक चीज़ और बताऊं कि ओडोनिल और कोई भी फ्रेग्रेंस इस तरह से लिक्विड हो या गैसेस फॉर्म में हो, आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। तो देखिए ये गीज़र था जिसे सर्दियों में यूज़ करते हैं, इसमें सिलेंडर फिट हो जाता है और साइड में ऊपर जगह बनी हुई है, वहाँ पर सिलेंडर को सेट कर देते हैं। तो आप प्लीज़ इस तरह से कुछ भी से आपको एक आइडिया मिलेगा बहुत अच्छा, और आप इनमें कोई भी कलर, किसी भी तरीके का हैंड राइटिंग या किसी भी स्टाइल का हैंड राइटिंग, किसी भी कलर का पेपर यूज़ कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।